पिंडी के जो वर्कर्स थे उन सब की जो है बेल्स आज कंफर्म हो गई हैं, और आज हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पिंडी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मैसेज जो आज हम यहाँ से देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को कि चाहे वो, जैसे कल आपको पता है कि दुबई लीग्स में जो है पूरे जो है एक लिस्ट जारी की गई है, तो कौम को इस वक्त ये सोचना होगा और उन इदारों को ये सोचना होगा कि जिन इदारों ने लाकर इस इम्पोर्टेड और ये जो मुसलत शुदा हम पे एक हुकूमत जो है वो हम पे मुसलत कर दी है, कि वो लोग के जिन्होंने जो है हमारे मुल्क के साथ गद्दारियां की, जिन्होंने हमारे जिन्होंने ये वो करप्ट टोला कि जिन्होंने हमेशा जो है वो हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की और हमारे मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया है। आप देख लीजिए कि आज फिर जो दुबई लीग्स है उनमें उन्हीं खानदानों के बच्चों के नाम है, उन्हीं खानदानों के नाम है, उसमें कोई पीटीआई का मेंबर जो है वो नहीं है। तो ये यहाँ से ये फर्क देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका हमेशा ये रहा है कि हमने इंसाफ पे मबनी बात करनी है, हमने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई और करप्शन के खिलाफ हमने पूरी तहरीक चलाई है, जिसका भुगतान आज हम भुगत रहे हैं इस सूरत में कि हम पे 9 मई मुसलत किया गया, हम पे जो है वो तमाम वो गलत बयानियां हम पे डाले गए कि जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। तो हम इन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीजिए। आपका काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, आपका काम अंदरूनी मामलों में दखल देना नहीं है। आज भी वक्त है कि आप लोग इस बात को समझकर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाइए, और बराए मेहरबानी जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, जो हमारे मुल्क के मफादात और मबनी चीजें हैं, वो हमें करने दीजिए, उसमें आपका अमल दखल नहीं होना चाहिए। और आसिम मुनीर साहब को मैं यहाँ पर जरूर ये कहना चाहूंगी कि अगर इमरान खान साहब को कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। और ये याद रखिएगा कि कौम जो है वो पीछे नहीं हटेगी आप, और हम अपना हक, अपने उन तमाम असीरान का हक, जिनको आपने नाकर्दा गुनाहों की सजा देकर आपने उनको अंदर जेल में रखा हुआ है, इंशाल्लाह जब तक आप उन्हें निकालेंगे नहीं बाहर, हम तब तक चुप नहीं रहेंगे। थैंक यू।